यहाँ पे मौजूद ज्वाइंट इंचार्ज आमिर भाई, दीगर सेक्टर के और यूसी के जिम्मेदारान, वहीद भाई हमारे बुजुर्ग सीनियर साथी, और आप बुजुर्गों को, भाइयों को अस्सलाम वालेकुम। थोड़ा सा आपका 15-20 मिनट का वक्त लूंगा मैं, और शायद थोड़ा सा मौजू खुश्क भी आएगा बीच में, लेकिन क्योंकि कराची के शहरियों के मुफादात का और उनके फायदे की थोड़ी सी बात है, तो उम्मीद है कि आप लोग कुछ असलूबी से सुनेंगे। देखें, खासकर इस शहर में अब जब इलेक्शन शुरू होते हैं और आवाम के पास हम जैसे उम्मीदवार जाते हैं, तो आवाम के पास इस शहर में दो तीन ऑप्शन है वोट डालने वालों के लिए। तो आवाम सोचती है वोट दें तो किसको दें, और दें कि ना दें। तो ना दें वाली बात बाद में करेंगे, पहले ये देखते हैं कि वोट दें तो किसको दें। देखिए, हमारे पास ऑप्शन है पीपल्स पार्टी का। वो पीपल्स पार्टी जो पिछले 15 साल से इस सूबे में हुक्मरान थी, जो ये कहती है कि जी 22,500 अरब रुपए हमने इस सूबे में लगाए हैं, 300 खरब रुपए कराची टैक्स की मद में देता है, और सूबे में 22,500 अरब रुपए वो कहते हैं हमने लगाए। क्या कोई एक ऐसी यूसी है, मॉडल यूसी, जो वो दिखा सकेंगे जो पैसे हमने लगाए उससे हमने कोई एक यूसी बना दी है, चाहे वो लाड़काना की हो, कदीम की हो, दादू की हो, या शहर कराची में कहीं हो? नहीं है ऐसी कोई यूसी। तो कम अज कम कराची शहर के लिए तो मैं समझता हूँ, मेरी नाकिस राय है कि शायद वो ऑप्शन नहीं है। अच्छा, इसके बाद फिर एक जमाते जमात इस्लामी, पिछले 2023 में 15 जनवरी को बलदियाती इलेक्शन हुए थे, एमकेएम ने बाइकाट किया था। कराची शहर से 5% वोटिंग हुई है, उस 5% वोटिंग में वो अपने चेयरमैन, डिस्ट्रिक्ट चेयरमैन, काउंसलर लेकर आए हैं। आज 1 साल हो गया है, काम करने वालों की नीयत बता देती है कि वो काम करना चाहते हैं या नहीं करना चाहते हैं। इस 1 साल में जब मुस्तफ़ा कमाल भाई को मौका मिला था, तो पहले साल उनका नाम मुस्तफ़ा खुदाल रख दिया गया था। किस बुनियाद पर रखा गया? पूरा कराची खोद दिया था वो। उनकी नीयत बता रही थी कि मैं आगे क्या करने जा रहा हूँ, और अगले 5 साल में शहरियों ने देखा कि शहर में क्या तब्दीली आई। उसके बाद आपके पास इस वक्त ऑप्शन है मुत्तहिदा कौमी मूवमेंट, एक ऑप्शन था जो अभी खत्म हो गया पीटीआई का। अगर हम पीटीआई की तरफ जाते हैं, उनके आजाद उम्मीदवारों की तरफ, तो हमें दो नुकसान है। एक नुकसान ये है कि उनके उम्मीदवार आजाद खड़े हुए हैं, इसलिए नहीं पता कि कितनी तादाद में कितने लोग जीतेंगे, तो वो गवर्नमेंट बना पाएंगे या नहीं बना पाएंगे। दूसरा नुकसान ये है कि अगर हम ये बाजियों को जगह दें, प्लीज बाजियों को जगह दें, उनको मौका दें कि वो तशरीफ रखें, और बुजुर्गों को दे मौका कि वो उनके पीछे आ जाए, जवान पीछे चले जाए, नौजवान पीछे चले जाए, बुजुर्गों को दे मौका कि वो आगे बैठ जाए आराम से अपनी जगह पर। आपको पता है मुत्तहिदा कौमी मूवमेंट का खासा है कि खवातीन को, बाजियों को, बहनों को, माओ को सबसे ज्यादा इज्जत अगर किसी सियासी जमात में मिलती है, तो वो यही सियासी जमात है। तो मैं कह रहा हूं कि दूसरा जो उनका, फिर जब अगर उसमें से कुछ लोग जीत भी जाते हैं, तो फिर अब क्या मसला है? वो मसला ये है कि वो आजाद उम्मीदवार हैं, उन्हें कोई पार्टी ज्वाइन करनी है, तो वो फिर किसी ना किसी पार्टी को ज्वाइन करेंगे। अच्छा, अब वो पार्टी ज्वाइन करने के लिए उनके पास दो तरीके हैं, या तो किसी दबाव में आके पार्टी ज्वाइन करें, या तो फिर वो जिस तरह बल्दिया में मुर्तजा वहाब साहब को वोट दिए गए पैसे की बुनियाद पर, वो अपना सौदा कर दें और फिर कोई पार्टी ज्वाइन कर लें। तो इस वक्त तो वो ऑप्शन नजर नहीं आता। अच्छा, अब ऑप्शन बचता है मुत्तहिदा कौमी मूवमेंट का। मुत्तहिदा कौमी मूवमेंट इन तमाम बुरी जमातों में, मैं समझता हूँ कि कम बुरी जमात मुत्तहिदा कौमी मूवमेंट, जो अपनी बुराइयों को, अपनी कमी को मुस्तकिल दूर कर रही है। अच्छा, फिर लेगेसी कराची में अगर किसी की है, डिलीवरी किसी की कराची में है, तो वो मुत्तहिदा कौमी मूवमेंट है। जो फारूक सत्तार भाई का वक्त देख लें,
मुस्तफ़ा कमाल भाई का वक्त देख लें तो मुत्तहिदा कौमी मूवमेंट ही है जिसने इस शहर में डिलीवर किया और किसी ने डिलीवर नहीं किया। तो अब उसके बाद आप कहेंगे कि जी 15 साल में मुत्तहिदा कौमी मूवमेंट ने क्या किया, ये 2018 से लेके 2023 तक क्या किया, अगर पहले किया तो वो तो बात पुरानी हो गई। तो मैं आपको बताऊं कि देखें ये कमजोर एमकेएम जिसके 7 सीटें वफाक में थी उसने क्या किया, उसने 2 ऐसे कारनामे अंजाम दिए जो सोशल मीडिया पे या दीगर किसी सोर्स के जरिए आप तक नहीं पहुंच रहे होंगे, उस तरह नहीं पहुंच रहे होंगे जिस तरह और जमातों के काम पहुंचते हैं। देखिए नंबर 1 एक काम जो किया वो ये किया कि मर्दम शुमारी पहली दफा, इससे पहले मर्दम शुमारी होती थी तो अपनी मर्जी से सियासी जमातें, खासकर एक खास सियासी जमात अपनी मर्जी से डिसाइड कर लेती थी कि शहर में मर्दम शुमारी में हमें क्या फिगर रखना है, और कभी भी मर्दम शुमारी वक्त पे नहीं हुई। 10 साल का अर्सा होता है लेकिन 10 साल में कभी भी नहीं हुई, कभी 20 साल में हुई, कभी उससे भी ज्यादा अर्से में हुई। तो जब 2017 में हमने देखा कि मर्दम शुमारी जो है वो हुई और 1,60,00,000 लोग गिने गए, जबकि आप जानते हैं कि आबादी उस वक्त 2.5 करोड़ से ऊपर थी 2017 में, आज तो हम क्लेम करते हैं 3.5 करोड़ है। तो मुत्तहिदा कौमी मूवमेंट ने उस वक्त अक्सर मुस्तरद कर दिया कि हम इसको नहीं मानते, लेकिन उस वक्त मुल्क के जो सियासी हालात थे, जो इदारों के और मुल्क के हालात जो तब्दील हो रहे थे उसमें मुत्तहिदा कौमी मूवमेंट एक दबाव आया कि नहीं, अगर हम अब मजीद इसके ऊपर किसी किस्म की भी वो नहीं कर सकते, इसको तस्लीम करना पड़ेगा ताकि मुल्क आगे चले। तो फिर उधर मुत्तहिदा कौमी मूवमेंट ने एक डिमांड रखी कि ये हम इसको तस्लीम कर दें, लेकिन इसको तस्लीम करने के साथ फिर आप हमसे कमिटमेंट करें, वादा करें कि अगली मर्दमशुमारी 5 साल में करेंगे। जो 10 साल का पीरियड होता है उस 10 साल के बाद भी वो मर्दमशुमारी नहीं होती, अगले 20 साल तक चली जाती है, तो हम इसको तस्लीम करते हैं आप इसको 5 साल में करेंगे। तो वो कमिटमेंट पूरा किया गया, 5 साल में दोबारा मर्दमशुमारी की गई। ये वो खुश्क मौजू है जिसकी मैं बात कर रहा था, इसको सुनना बहुत जरूरी है, मैं माफी चाहता हूँ आप लोगों से। तो ये जो 5 साल में मर्दमशुमारी हुई ये खत्म होनी थी 9 अप्रैल को 2023 को, 7 अप्रैल को सिंध गवर्नमेंट का ये बयान आया कि जी 95% मर्दमशुमारी हो गई है और कराची की आबादी 1,60,00,000 से घट के 1,35,00,000 है और 1,35,00,000 95% लोग गिने जा चुके हैं, 5% रह गए। जो 2 दिन बाद वो 5% भी अगर काउंट करते तो 1,40,00,000 पे चली जाती। मुत्तहिदा कौमी मूवमेंट ने उसी वक्त स्टेप लिया, वफाक से राबता किया, उस 9 तारीख को 15 दिन के लिए बढ़वाया और आपके कन्वीनियर समेत तमाम कारकुनान ने उसके ऊपर काम किया और उनको सबूत व शवाहिद के साथ उनको जो है वो फिगर्स दिए, जो फिगर जो है वो हमारी नजर में ज्यादा थे। तो क्या हुआ, हर 15-15 दिन की डेट बढ़ती रही और ये डेट बढ़ी जुलाई तक, 23 जुलाई तक, और 23 जुलाई तक जब डेट बढ़ी तो हमने जो इलाके बताए जो कराची में जो जहाँ पे मर्दमशुमारी बकौल सिंध गवर्नमेंट के हो चुकी थी, हमने वहां से वो फ्लैट, वो घर, वो अपने लोगों को गिनवाया। तो क्या हुआ, 2,03,00,000 पे आपकी मर्दमशुमारी इस दफा क्लोज हुई, वो कि हम जानते हैं कि ये 3-3.5 करोड़ की आबादी है, लेकिन ये हमारे लिए बहुत बड़ा टारगेट अचीवमेंट था जिसको हमने किया कि जो 1,40,00,000 पे खत्म हो रही थी वो 2,03,00,000 पे हुई। अब इसका फायदा क्या हुआ शहर को और इसका नुकसान क्या होने जा रहा था, लेकिन फायदा ये हुआ कि जब 2,03,00,000 आप गिने गए तो आप शहर में पहले 33%, सूबे में पहले आप 33% थे, अब आप 37% हो गए। तो 3 अंदरून सिंध की सूबाई असेंबली की सीटें उठकर शहर में आ गई, 1 वफाकी एनए की सीट उठकर शहर में आ गई। अब आप मेरी बात को समझिए, अगर ये 3-3.5 करोड़ लोग सही गिन लिए जाएं तो 50% सिंध का इस शहर में रहता है, 130 सूबाई असेंबली की सीटें 50% इस शहर में आ जाएंगी, हैदराबाद,
मीरपुर खास, सक्कर, नवाबशाह, यहाँ की सीटें मिला लेंगे तो वजीर आला किसका बनेगा? ये जो कम लोग गिने जाते हैं उसकी वजह यह है कि वजीर आला हमेशा दरून सिंध से रहे, आपको यह कभी भी ना दिया जाए, और ये हमेशा हर दफा इसीलिए होता था। तो ये जो कारनामा मुत्तहिदा कौमी मूवमेंट ने किया, ये कारनामा 7 सीटों पे किया जब वो सबसे कमजोर थी, उसको आपका ये फायदा हुआ कि 3 सीटें यहाँ पर आ गई। और इंशाल्लाह अब ये कमिटमेंट है हमारा आइंदा के लिए, आइंदा पूरे 10 साल में ये मर्दमशुमारी कराएंगे और अपने एक एक शख्स को गिनवाएंगे, एक एक लोगों को जो यहाँ पे रहते हैं। अच्छा, जो यहाँ रहते हैं, मैं सिर्फ एक कौमियत की बात नहीं कर रहा हूँ, मैं सिर्फ महाजनों की बात नहीं कर रहा हूँ, जो यहाँ रहता है उसको गिनो हम चाहते हैं। अच्छा, इसमें क्या हुआ, 2 करोड़ 3 लाख लोग क्यों गिने गए? कि इसके ऊपर काम किया मुत्तहिदा कौमी मूवमेंट ने, वाहिद जमात, किसी और जमात ने काम नहीं किया। अब मुत्तहिदा कौमी मूवमेंट के कारकुनान कहाँ हैं? उन हलकों में जहाँ हमारे लोग बसते हैं। तो हमने गिनाए कहाँ के लोग? वो लोग जो हमारे हलकों में रहते हैं। हम नहीं गिना सके उन आबादियों को जिन आबादियों में हमारा असर रसूख कम है। अगर उन आबादियों में भी गिनती सही हो जाएगी तो ये 3 करोड़ से ऊपर लोग हैं, तो आपके पास आ जाएंगी 130 में से 50% सीटें सिर्फ कराची में। और वो सीटें मिला के जब आपके पास यहाँ पर सीटें आ जाएंगी 60-65%, तो फिर वो सुबह मांग रहे होंगे, जो आज आपको सुबह देने के लिए भी तैयार नहीं है और गवर्नमेंट देने के लिए, वजीर आला देने के लिए भी तैयार नहीं है। तो इसको मैं इस तरह से आपको समझाना चाहता था। दूसरा कारनामा क्या था मुत्तहिदा कौमी मूवमेंट का? दूसरा कारनामा ये था कि देखें, जो 2017 के मर्दमशुमारी की बुनियाद पे बल्दियाती हल्का बंदियां की गई थी, वो बल्दियाती हल्का बंदियां इस तरह की गई थी कि 98 लाख जब आपकी आबादी 98 में मर्दमशुमारी में थी तो आपकी यहाँ पे सीटें थी 209, और जब 2017 में आपकी ये मर्दमशुमारी हुई और आपको गिना गया 1 करोड़ 60 लाख, जिसको हम तस्लीम नहीं करते थे, तो आपकी यहाँ पे सीटें कर दी गई 246। देखें, 98 लाख पहले थे और 70 लाख दोबारा बढ़े, तो सीटें होनी चाहिए थी 300 से प्लस, लेकिन उन्होंने की 246। क्या किया उन्होंने? हमारे और आपके हलके में जो इस वक्त यूसी है, तो 4 या 5 सेक्टरों पे मुश्तमिल है, और जो वो समझते हैं कि वो हलके जहाँ पे उनका सर सूट है और उनका वोट बैंक है, वो इतनी बड़ी यूसी है, जैसे यहाँ से आप 5 यूसियां बना रहे हैं, 5 सेक्टर हैं, हमारी 1 यूसी है, उनका 1 सेक्टर है, उनकी 1 यूसी है, तो उन्होंने 5 यूसियां अपनी बनाई, 1 यूसी हमारी बनाई, ताकि तादाद जो है उनकी यूसियों की वो बढ़ा सके मुर्तजा वहाब साहब को मेयर बनाने के लिए। ये 80-90 सीटें पीपल्स पार्टी कराची से कैसे निकालेगी, वो इस तरह से निकाली उन्होंने। तो हमारा ऑब्जेक्शन ये था कि एक तो हल्का बंदियां बराबरी की बुनियाद पे करो, दूसरा हल्का बंदियां आबादी की बुनियाद पे, जब 98 लाख लोग आपने गिने थे तो 209 सीटें थी, अब जब आपने 1 करोड़ 60 लाख लोग गिने तो ये तो 209 से कम अज कम 70-70 लाख लोग बढ़े, तो ये जो है कम अज कम 80% जो है वो 85% सीटें बढ़नी चाहिए, तो 209 में से तो 150 सीटें बढ़नी चाहिए, तो 350 की बात होनी चाहिए। तो उन्होंने क्या किया, उन्होंने कुछ सीटें बढ़ाई, तो ये हमारा ऑब्जेक्शन था। हम चाहते थे कम अज कम 72-73 सीटें बढ़ाई जाए बल्दियात की, उन्होंने नहीं बढ़ाई। आखिर में जब वो हमारी बात माने और उन्होंने 53 सीटें बढ़ाई, और जब उन्होंने इलेक्शन कमीशन को कहा कि हमने 53 सीटें बढ़ा दी हैं, आप इलेक्शन कुछ अरसे के लिए बढ़ा के इन 53 सीटों को भी कराची शहर में डाल के फिर आप इलेक्शन का ऐलान करें, तो एक तो इलेक्शन कमीशन ने उस बात को नहीं माना, दूसरा हम दोनों जमातों को बोलते रहे, पीटीआई को और जमात इस्लामी को, कि देखें जब ये 53 सीटें बढ़ेंगी तो 53 सीटों के वसाइल भी बढ़ेंगे, 53 सीटों में पैसा भी, यूसी में जो पैसा आता है वो भी 53 सीटों में आएगा और कराची के लोगों को फायदा होगा, आप भी रुकिए, आप भी इसके ऊपर हमारे साथ जुड़ जाइए। लेकिन उनको इलेक्शन की जल्दी थी, उनको इलेक्शन की जल्दी थी, और वो समझते थे, खासकर जमात इस्लामी वाले समझते थे कि इस बुनियाद पे अगर एमकेएम बायकॉट कर रही है, इस बुनियाद पे अगर एमकेएम जो है वो नहीं होगी, तो फिर वो सीटें 5% से कौन जीतेगा।
तो एमकेएम ने उसूली बायकॉट किया, वो 53 सीटें जरूर ले ली, वो 53 सीटें आज कराची की जो बंदियाती सीट्स हैं उसमें शामिल हैं। अब नई हलका बंदियां होंगी 2,03,00,000 के हिसाब से, तो अब जो हलका बंदी होगी वो 246 पे नहीं होगी, वो 53 सीटें ऐड हो गई। तो ये 300 प्लस सीटों के ऊपर जब दो, ये 300 प्लस सीटें तब से काउंट हो रही है 1,07,00,000 से, अब आबादी हो गई है 2,03,00,000। तो ये जो 40-42 लाख का जो इजाफा हुआ है वो इजाफे के साथ मजीद सीटें बनेंगी। तो अब जब हलका बंदी होगी तो ये जो 5 सेक्टरों का उन्होंने आपके 5 सेक्टरों की एक यूसी बना दी है वो ऑटोमेटिकली वो हलके आपके आबादी में वो यूसियां कम रही, यहाँ 2 या 3 यूसियां आ जाएंगी। तो आप जितनी बड़ी आबादी में एक यूसी लेके बैठे हुए, अब जब 2,03,00,000 के हिसाब से यूसी बनेगी तो आपको उसका फायदा होगा। वो पैसा जो यूसी चेयरमैन को इतने बड़े हलके में मिल रहा है वो इतने ही बड़े हलके में 3 यूसियों में आएगा। तो ये उस कमजोर मुत्तहिदा कौमी मूवमेंट ने ये काम किया है, जिसको लोग कहते हैं कि जी ये तो खत्म हो रही थी, ये तो ये हो रही थी, और कहते हैं जी क्या किया आपने हमारे लिए। ये बहुत बड़ा काम है, और ये वो लोग समझते हैं जो स्टैटिस्टिक को समझते हैं, और आम लोग मर्दमशुमारी को अहमियत नहीं देते। इसी वजह से पीपल्स पार्टी सिंध गवर्नमेंट हमेशा यहाँ पे बनाती है और कभी भी जो है वो शहर के लिए कुछ नहीं करती। मैं तो कहता हूँ वो अपने देहातों के लिए भी कुछ नहीं करती, शहर के लिए क्या करेगी। तो शहर में तो उसको वोट नहीं मिलता इसलिए नहीं करती, जहाँ से वोट लेती है वहाँ के लिए भी कभी उसको कुछ नहीं दिया उसने। तो देखें इनसे जान छुड़ाने का ये तरीका है कि हम अपनी मर्दमशुमारी सही करवाएं, हम अपनी हलकाबंदी सही करवाएं, और उसके बाद हम यहाँ पर जो है वो जब इंतखाबात लड़ें तो फिर जो भी आए वो कम अज़ कम लोगों के लिए काम करने के काबिल हो। अच्छा आगे मैं आपके पास आया हूँ फिर वोट लेने, मैं आगे आगे मुत्तहिदा कौम क्या चाहती है, क्या करने जा रही है, क्यों आपके पास आई है, और आगे आपको इन्हीं बुनियादों पे क्या चीज देने जा रही है जिसका वादा करती है, और वो आप तक अगर आ गई तो फिर इस शहर को नहीं इस मुल्क को क्या फायदा होने जा रहा है। देखें मैंने आपको बताया ये सब चीजें होती है कि 15 साल से पीपल्स पार्टी ने कुछ नहीं दिया, ये इसकी वजह क्या है, इसकी वजह खास है वो ये कि 2008 में जब 18वीं तरमीम आई तो सूबों को खुद मुख्तारी मिल गई। ये नारा लगाती थी खास पीपल्स पार्टी कि जी खुद मुख्तार सूबे मजबूत पाकिस्तान। इस 15 साल में हमने देखा जब सूबों को खुद मुख्तारी मिल गई तो उन सूबों ने जब एनएफसी अवार्ड होता है जो वफाक सूबों को पैसे देता है उसको कहते हैं एनएफसी अवार्ड। तो सूबों के पास जब पैसा आता है तो पहले जो पैसा अगर 4 अरब रुपए आता था तो 400 अरब रुपए आ रहे हैं, लेकिन वो पैसा कहाँ जा रहा है, वो वजीर आला के पास आ रहा है, वजीर आला के पास आके पार हो जाता है। वजीर आला की मंशा है मर्जी है कि वो पूरे सूबे में कहाँ पैसे लगाए और कहाँ ना लगाए। मैंने आपको भी बताया कि 22,500 अरब रुपए वो कहते हैं, मैं नहीं कह रहा हूँ, उनके डॉक्यूमेंट कहते हैं कि 15 साल में हमने सूबे में 22,500 अरब रुपए लगाए। तो उसका कोई मैकेनिज्म नहीं है। अच्छा फिर उसके बाद उस वजीर आला के पास मैं और आप नहीं जा सकते कि भाई पैसे नहीं लगाए तो तुमको हम एहतजाज करने जा रहे हैं, तो डांडे लट्टियां पड़ती हैं, आपको पता हम गए थे तो क्या हुआ था हमारे साथ। तो हमारी पहुंच नहीं है उस तक, वो पैसे उसके पास आते हैं वो नीचे टिकट डाउन नहीं होते। दूसरी चीज ये हुई कि जब 18वीं तरमीम आई तो सूबों को ये इख्तियार मिल गया कि वो अपने बलदियाती निज़ाम खुद बना सकते हैं। तो हर सूबे ने अपना बलदियाती निज़ाम बनाया, पीपल्स पार्टी ने भी अपना बलदियाती निज़ाम बनाया। उस बलदियाती निज़ाम की वजह से हम बार बार कहते हैं कि हम बलदियाती अपने बलदियाती 2 टेनोर आपको गिनाते हैं, तीसरा नहीं गिनाते। वो 2 गिनाते हैं फारूक सत्तार भाई का वक्त और मुस्तफा कमाल भाई का वक्त। 18वीं तरमीम से पहले का टाइम था वो, उस वक्त जो पैसा आता था वो गवर्नमेंट के थ्रू नीचे आ जाता था बल्दियात के पास, और बल्दियाती इदारे जो थे वो बल्दियात के पास थे। अब जब पीपल्स पार्टी को ये मौका मिला कि उसको बनानी है बल्दियाती गवर्नमेंट, खुद सूबाई गवर्नमेंट बनाएगी, तो वहाँ यहाँ पीपल्स पार्टी थी उसने बनानी, उसने क्या किया, उसने 21 ऐसे इदारे जो बल्दियाती इदारे थे वो पीपल्स पार्टी ने सूबाई असम्बली की तहवील में ले लिए, जो इससे पहले
मुशर्रफ के बनाए हुए कानून में बल्दियात के पास था। अब वो पूरे 21 इदारे गिनाऊंगा तो आप और बोर हो जाएंगे, आप बोलेंगे ये इतनी लंबी बात कर रहा है। मैं चंद इदारे जरूर गिनाऊंगा ताकि आप समझ सकें कि उन इदारों को बनाने का और उनको हाथ में लेने से नुकसान क्या हुआ शहर को, खासकर शहर की बात कर रहा हूँ, हुआ पूरे सूबे को नुकसान है। देखिये एक इदारा उन्होंने बनाया सॉलिड वेस्ट मैनेजमेंट, उसका काम क्या है? उसका काम है आपके इलाके से कचरा उठाना। उसका पूरा नाम है सिंध सॉलिड वेस्ट मैनेजमेंट, ये एक बोर्ड है। ये सिंध गवर्नमेंट के अंडर में इसका चेयरमैन, वाइस चेयरमैन, डिस्ट्रिक्ट चेयरमैन और आपके मेयर से कोई वास्ता ही नहीं है। आप कहते हैं जी कचरा, आप पूरी दुनिया में कचरा बल्दिया उठाती है, तो आपकी भी एक्सपेक्टेशन क्या है कि कचरा उठाने के लिए कोई काउंसलर इकदाम करे, कोई चेयरमैन करे, कोई जो है वो मेयर इसके इंतजाम करवाए, गाड़ियां ला कर दे और ये करे। लेकिन नहीं जी, ये सिंध गवर्नमेंट का काम है। 2013 के बाद से ये काम इस सूबे में सिंध गवर्नमेंट का काम है, ये कचरा उठाने का काम आपके बल्दियाती नुमाइंदों का नहीं है। फिर था हमारे पास वाटर एंड सेवरेज बोर्ड। वाटर एंड सेवरेज बोर्ड आपका शहरी इदारा था, जो कराची शहर का इदारा था और जो बल्दिया में मेयर के अंडर में था। ये पानी की लाइनें डालना, ये सेवरेज की निकासी का काम करना, ये मेयर का काम था। वाटर एंड सेवरेज बोर्ड को भी सिंध गवर्नमेंट ने तहवील में ले लिया और सिंध गवर्नमेंट का इदारा बना दिया। फिर आपके पास एक था केबीसीए, जिसको कर दिया एसबीसीए, केडीए, एलडीए, एमडीए, ये वो इदारे हैं जो इदारे रेवेन्यू शहर से जनरेट करते थे और उसका पैसा मेयर के पास जाता था और वो मेयर किसी तरक्याती मंसूबे में लगा के आपको वो पैसा वापस लौटाता था। ये तमाम इदारे सिंध गवर्नमेंट ने अपने अंडर में ले लिए, ये सारे इदारे अब सिंध गवर्नमेंट के, ये पैसा सारा सिंध गवर्नमेंट के पास जाता है, ये मेयर के पास नहीं जाता, ठीक है। फिर इस इदारे में, इसको सिंध गवर्नमेंट लेने का दूसरा नुकसान क्या हुआ कि पहले इस इदारे में सिर्फ कराची के लोग रखे जाते थे, अपॉइंट होते थे, अब पूरे सिंध में कहीं से भी अपॉइंट करके उसको लाके यहाँ बैठा दिया जाता, बिठाया जा सकता है और बिठाया गया है, अभी भी बैठे हुए। तो ये एक नुकसान हमें हुआ इस 18वीं तरमीम से। अच्छा, फिर एक मास्टर प्लान है, कराची का मास्टर प्लान मेयर के अंडर में होता था, जो कराची के मास्टर प्लान को देखता था कि किस तरह कराची में कहाँ कहाँ आबादियां बनानी है, कोई नौ आबादियाती इलाका कौन सा होना चाहिए, पुराने इलाकों को तरक्की कैसे देनी, वो भी सिंध गवर्नमेंट ने अपने अंडर में ले लिया। उसको लेने से नुकसान क्या हुआ कि जो गोट आबाद स्कीम और दीगर स्कीम है वो उसको आसानी हो गई कि उसको जब चाहे जैसे चाहे रेगुलाइज कर दे और जहाँ चाहे वहाँ आबादी भी कर दे। तो ये कराची शहर को जो बहुत बड़े नुकसान हुए, इससे बचने के लिए अब हमने क्या किया, ये मुत्तहिदा कौमी मूवमेंट तीन तरमीम करना चाहती है। वो चाहती है इस दफा अगर हमें इस शहर से कौमी और सूबाई असम्बली की सीटें बड़ी तादाद में मिल जाती हैं, तो हम ये तीन ऐसी अमेंडमेंट चाहते हैं जिससे कि हमेशा के लिए ये जो 15 साल में हमने तकलीफें देखी हैं मुस्तफा कमाल साहब के वक्त के बाद से, जो है क्या नाम है, कंटिन्यू नहीं रहा वो प्रोसीजर, वो रुक गया, ये जो हमने तकलीफ देखी, जो मेरे घर ने आपके घर ने देखी, ये दोबारा ना देखनी पड़े। तो हम क्या कहते हैं, हम ये कहते हैं कि जी तीन तरमीम वफाक से हम कराएंगे। ये हम उस वक्त करा सकते हैं जब हम इत्तेहाद करेंगे किसी ऐसी गवर्नमेंट से जो वफाक में गवर्नमेंट बनाने जा रही हो। और आपको पता है आप इस शहर में सियासत को अच्छी तरह समझते हैं, आपको पता है कि इस दफा कोई 2/3 मेजोरिटी से एक जमात गवर्नमेंट बनाने नहीं जा रही, ये अभी से नजर आ रहा है। तो इस दफा जो भी गवर्नमेंट दोबारा बनेगी वो इत्तेहादी गवर्नमेंट होगी। तो इत्तेहाद में एमकेएम अपना वो हिस्सा रखना चाहती है जिससे जब वो इत्तेहाद करे तो फिर ये तीन तरमीम जिसका मैं अब आगे जिक्र करूंगा वो करा सके। वो क्या है, देखें मैंने आपको बताया कि सूबे को एनएफसी अवार्ड मिलता है, वो एनएफसी अवार्ड होते हैं वो पैसे जो के वजीर आला के पास आते हैं। हम कहते हैं जी एनएफसी अवार्ड के साथ वफाक में एक ऐसी तरमीम हो जाए कि उसमें पीएफसी अवार्ड का इजाफा हो जाए। पीएफसी अवार्ड जब आएगा तो वो जो पैसे वजीर आला के पास आते हैं उसमें से कुछ पैसे जिलों के पास आएंगे डायरेक्ट, जितने भी जिले हैं, और ये पूरे मुल्क में होगा, सिर्फ शहर में नहीं होगा। कराची के 7 जिले हो, लाड़काना जिला हो, बदीन हो, दादू हो, हैदराबाद हो, सबको यकसा जिलों में पैसे आएंगे, वजीर आला के पास नहीं जाएंगे। वो पैसे जब जिलों में आएंगे डायरेक्ट तो जिलों के जरिए वो पैसे नीचे यूसीओ में आ जाएंगे, बाकी जो पैसा बचता है वो वजीर आला को दे दो, वो अपना सूबा चला। एक तो हम चाहते हैं पीएफसी अवार्ड, दूसरा हम क्या चाहते हैं, दूसरा हम ये चाहते हैं कि देखें जी ये जो इदारे हैं ना, ये जो हमसे, मैंने आपको बताया किस इदारे जो हमसे हथियार लिए,
ये जब सिंध गवर्नमेंट को इख्तियार मिला तो उसने हथियाए। हम ये कहते हैं कि जिस तरह आईन में लिखा हुआ है कि वफाकी इदारे जो हैं वो ये लिखा हुआ और सूबाई इदारे जो हैं वो ये लिखा हुआ है, ना वफाक सूबाई इदारे ले सकता है ना उसमें इंटरफेयर कर सकता है, ना सूबा वफाकी इदारे ले सकता है ना उसमें इंटरफेयर कर सकता है, क्योंकि आईन में लिख दिया है। तो हम कहते हैं जी बल्दियाती इदारे भी आप आईन में लिख दीजिए। दूसरी तरफ हम क्या चाहते हैं, बल्दियाती इदारे भी वफाक से आईन में लिखवा लिए जाए ताकि कोई भी जब बल्दियाती निजाम बनाए तो आपसे इदारे ना छीने। जब वो लिखवा लिए जाएंगे तो ये जो चले गए ये भी आ जाएंगे और फिर वापस कोई छीन नहीं पाएगा। तीसरी चीज हम क्या चाहते हैं, तीसरी तरमीम हम ये चाहते हैं कि आपने देखा 2010 में बल्दियाती निजाम खत्म हुआ तो फिर आया 2015 में, 5 साल एडमिनिस्ट्रेटर ने चलाया। फिर जब 2020 में खत्म हुआ तो 2023 में आके इलेक्शन में 3 साल एडमिनिस्ट्रेटर ने चलाया। क्या आपने कभी देखा है कि वफाक और सूबे की गवर्नमेंट खत्म हो और 5-5 साल एडमिनिस्ट्रेटर चलाए? 90 दिन के अंदर इंतखाबात हो जाती है, इंटरम गवर्नमेंट आती है, इंतखाबात हो जाते हैं, क्योंकि उनको पता है कि जो हमें पैसा मिलता है, जो हमें मौका मिलता है वज़ीर आला और वज़ीर आज़म और मिनिस्ट्री की, उससे मिलता है, उनको मतलब नहीं है इससे। जो बल्दियाती निज़ाम में चेयरमैन, डिस्ट्रिक्ट चेयरमैन और वाइस चेयरमैन बनते हैं, इससे मतलब नहीं है, क्योंकि ये अवाम से डायरेक्ट इन्वॉल्व होकर डायरेक्ट काम होने वाला मामला, ये उन्होंने करना नहीं है। उन्होंने तो बनाने पैसे, उन्होंने तो पहुँचाने मुल्क से बाहर पैसे, अपने खानदान को बढ़ावा देना है, तो उनका मतलब है उससे। वो अगर एडमिनिस्ट्रेटर 5 साल बैठ जाएगा तो उनके तो जो उन्होंने कमाया है वो 5 साल में खा जाएंगे, वो तो लाले पड़ जाएंगे उनको कि अब हम आगे कैसे जिंदगी गुजारेंगे, जो हमारे बच्चे बाहर तालीम हासिल कर रहे हैं वो उसको कैसे हम कवर करेंगे। तो ये फौरी तौर पर इंतखाबात हो जाते हैं लेकिन बल्दियाती नहीं होते। तो हम कहते हैं तीसरी चीज आइन में ये लिख दो कि जिस तरह वफाकी और सूबाई गवर्नमेंट 90 दिन के अंदर दोबारा बनती है, ये बल्दियाती गवर्नमेंट भी 90 दिन के अंदर दोबारा से बनेगी, इसके अंदर कोई एडमिनिस्ट्रेटर नहीं बैठेगा। अगर ये 3 अमेंडमेंट कराने में एमकेएम कामयाब हो जाती है तो इसका फायदा आपको नहीं होगा, इसका फायदा पूरे मुल्क को, पूरे मुल्क में जो डिस्ट्रिक्ट होंगे उनको पैसा आएगा। अच्छा, आप वज़ीरे आला के पास, मिनिस्टर के पास एहतजाज करने भी नहीं जा सकते, उससे पूछ भी नहीं सकते, लेकिन जो डिस्ट्रिक्ट का जो चेयरमैन होगा वो आपने मुंतखब किया होगा, आपके इलाके में रहता होगा, अगर वो डिलीवर नहीं करेगा आप उसके घर जा सकते हैं। अब तो तुम्हें हमने इख्तियार भी दिला दिया, इदारे भी दिला दिए, पैसे भी दिला दिए, अब तुम काम क्यों नहीं कर रहे हो? और आपके पास ऑप्शन है कि अगर इसने काम नहीं किया तो नेक्स्ट टाइम उसको रिजेक्ट करें, चाहे वो किसी सियासी जमात का हो, चाहे वो किसी इंडिविजुअल कोई और। अच्छा, एक चीज ये, दूसरा इसका फायदा सिर्फ एमकेएम को तो नहीं होना, एमकेएम के पास तो शहरी इलाके हैं, शहरी इलाकों में सारे भी इलाके एमकेएम नहीं जीतती, डिस्ट्रिक्ट कुछ, डिस्ट्रिक्ट कुछ और लोग जीतते हैं, तो जहां से जो जमात जीतेगी उसका जो डिस्ट्रिक्ट का चेयरमैन होगा उसको डायरेक्ट पैसे मिल रहे होंगे। ये सिर्फ एमकेएम को इसका फायदा नहीं होना, इसका फायदा सिर्फ शहर को नहीं होना, इसका फायदा मुल्क को होना है और तमाम जमातों के लोगों को होना है जो मुंतखब होंगे। अच्छा, फिर इसमें कारकर्दगी इन्वॉल्व हो जाएगी, आपको आइंदा नजर आएगा कि ये जमात कारकर्दगी दिखा रही है, ये चेयरमैन कारकर्दगी दिखा रहा है, इसको हम दोबारा वोट दें, ये कारकर्दगी जमात नहीं दिखा रही, ये चेयरमैन कारकर्दगी नहीं दिखा रहा है, इसको रिजेक्ट करो, किसी और को लाओ। तो ये 3 तरमीम हम कराना चाहते हैं। अगर आप समझते हैं कि ये इस मुल्क के फायदे के लिए है, ये इस शहर के फायदे के लिए, और आइंदा आने वाले वक्त में हम इस तरह की तकलीफ जो हमने पिछले 15 साल खासकर और उससे पहले भी हम देखते रहे वो खत्म हो जाए और एक कंटिन्यूस प्रोसीजर शुरू हो जाए इस शहर में, ये पानी का, बिजली का, ये सेवरेज का, ये रोड का, इंफ्रास्ट्रक्चर का मामला, ये हम हर दफा जाके लोगों के पास जाके बोले ये गवर्नमेंट आई इसने काम नहीं किया, वो गवर्नमेंट आई इसने काम किया, तो ये खत्म हो जाए। जिस तरह मुस्तफा कमाल भाई का वक्त गया उसके बाद वो सारी तरक्की रुक गई, वो प्रोसीजर कंटिन्यू रहे, तो वो उसका एक ये तरीका है, हमने कहा कि ये वो तरीका है, ये वो आबे हयात है जो अगर इस मुल्क में पी लिया गया तो इंशाल्लाह ताला जो बेसिक नेसेसिटीज है जिससे हम बाहर नहीं आ पा रहे, लोग चांद पे पहुंच गए, दूसरे ममालिक चांद पे पहुंच गए, हम अभी तक अपने गटर के ढक्कन नहीं लगा पा रहे, तो हम इससे बाहर आएंगे, फिर हम अपने बच्चों के लिए सोचेंगे कि हमें अपने बच्चों के लिए हमारा मुस्तकबिल और मजीद कैसे बनाना है। देखें,
ये मरदमशुमारी के बाद ही तय होता है कि स्कूल इस आबादी के लिहाज से स्कूल कितने बनने, इस आबादी के लिहाज से हॉस्पिटल कितने बनने, इस आबादी के लिहाज से यूसी कॉन्स्टिटेंसीज कितनी बननी है, इस आबादी के लिहाज से कितना पैसा नीचे आना है, वो पैसा कैसे बटेगा, आवाम में सहूलियात कैसी दी जाएंगी। 2 करोड़ 3 लाख लोग गिने गए और है 3.5 करोड़ लोग, तो जो पानी आ रहा है वो 3.5 करोड़ लोगों की रिक्वायरमेंट है, आ रहा है 2 करोड़ लोगों का, अभी तो 1.5 करोड़ का आ रहा है, तो बताओ आएगा नेक्स्ट टाइम क्या होगा। तो ये वो मसाइल है, आप कहते हैं पानी नहीं आ रहा, पानी पीने वाले ज्यादा हैं और पानी शहर में कम है। सैवरेज का निजाम, लाइनें लगी हुई है 1.5 करोड़ लोगों के हिसाब से जो आटा डिंच की है और रहते यहाँ पे 3 करोड़ लोग। तो ये वो मसले हैं जिनका हल एमकेएम पेश कर रही है इस दफा आपको। अगर आप समझते हैं कि ये हल वाकई इस मुल्क को तब्दील कर सकता है तो आपसे दरखास्त है कि आप हमेशा जिस तरह 87 से आज तक मुत्तहिदा कौमी मूवमेंट को जिताते रहे, आप इस दफा उनके नुमाइंदों को वोट दें ताकि वो असेंबली में जाके आपके लिए तरामीम करा सके। बहुत शुक्रिया। जय मुत्तहिदा, जय पाकिस्तान। ये थे मुत्तहिदा कौमी मूवमेंट के नामजद उम्मीदवार रेहान अकरम भाई, जो अपने अंदाज से आपको बता रहे थे कुछ देर की खामोशी है फिर शोर आएगा, कुछ देर की खामोशी है फिर शोर आएगा, सुना तो फिर फर्क आएगा, आज आज कॉन्फिडेंस का शोर आएगा। जो मुक्त चला।